कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस के नेता क्वारंटाइन में हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेसी ट्विटर तक ही सीमित रह गए हैं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा के दौरे पर हैं। नीमच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कठिनाई क्या है कि कांग्रेस जनता के बारे में चिंता नहीं करती है। अगर चिंता करती तो नेता और कार्यकर्ता भी दिखते व उनका काम भी दिखता है, जबकि भाजपा ने जो काम किया है वे काबिले तारीफ है। फिर चाहे वो भोजन वितरण, दवा वितरण हो, हमारे अध्यक्ष ने तो प्रवासी मजदूरों तक को चप्पल भी पहुंचाई है। अब स्थिति ये है कि अपने आप को कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती है, दूसरों का काम देखकर ईर्ष्या की सोच और विचारधारा के साथ टीका टिप्पणी पर ही सीमित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पूरी तरह क्वारंटीन हो गई है, उनके नेता ट्विटर तक ही सीमित रह गए हैं और अब जनता ने भी आने वाले 100 साल तक कांग्रेस को सीमित रखने का मन बना लिया है। कठिनाई क्या है कि कांग्रेस जनता के बारे में चिंता नहीं करती। अगर जनता के बारे में चिंता करती तो कांग्रेस का नेता दिखता, कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखता, कांग्रेस का काम दिखता। जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करके दिखाया है इस कोरोना काल में, चाहे दवाइयों का वितरण हो, भोजन का वितरण हो, प्रवासी मजदूरों को हमारे अध्यक्ष ने चप्पल तक पहनाए हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल ने पूरे विश्व में नहीं किया होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। अपने आप तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पाती और दूसरों का काम देखकर ईर्ष्या की सोच और विचारधारा के साथ टीका टिप्पणी पर ही सीमित हो चुकी है। कांग्रेस तो क्वारंटीन हो चुकी है और ट्विटर तक ही सीमित है, और अब जनता भी कांग्रेस को वैसी सीमित रखने वाली है आने वाले 100 सालों तक। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।